नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। हिंदू धर्म में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। इसे अक्षय तृतीया, आखा तीज, चिरंजीवी तिथि और सर्वसिद्धि तिथि के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें कई गुना बरकत होती है। जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, लेकिन इस दिन अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। जैसा कि आप जानते ही होंगे, विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था, इसीलिए देश भर में इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आखा तीज के महत्व और भगवान परशुराम के जन्म से जुड़ी रोचक जानकारी मैं आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला दान कैसे जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य फल में बदल जाता है और कभी ना खत्म होने वाला यानी अक्षय हो जाता है, आज मैं आपको इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। भविष्य पुराण के अनुसार प्राचीन समय में धर्मदास नामक एक वैश्य था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और परोपकारी था। अक्षय तृतीया की महिमा को अच्छी तरह से जानता था। अपनी वृद्धावस्था में अनेक रोगों से पीड़ित होकर भी धर्मदास हर साल तृतीया के अवसर पर गंगा स्नान करता और विधि विधान से पूजा करके ब्राह्मणों को सत्तू, दही, चना, गेहूं, गन्ना और खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया करता था। धर्मदास की पत्नी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, फिर भी वह हर साल अक्षय तृतीया पर यह पुण्य कर्म करता रहा। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उस वैश्य का पुनर्जन्म द्वारका की कुशावती नगरी के राजा के रूप में हुआ। कहा जाता है पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रताप से ही उसे नए जन्म में राजयोग मिला। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। इसीलिए दोस्तों, यह मान्यता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं बल्कि दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।